ये क्या है सफेद सफेद आटा 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 आटा? ये ड्रग्स है। ड्रग्स? हाँ। इसको लेकर नशा चढ़ जाता है। ये तो लफड़ा है। हाँ, इन लोगों ने गलती से दे दिया हमें। तो बहुत झलझली किस्म का लफड़ा है। इसका उपाय क्या है? बंद कर, बंद कर। क्या करें? सोचने दे। क्या सोचने दे? इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम आएगा। अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोल की के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने के मेरे को ये ना समझाई क्या? ए, तीसरी फेल पीटी पास, मैं बी इंग्लिश हूँ समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनना। अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले, कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे। क्या बोलता है, इस माल को बेच दे? हाँ बेच दे, बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। पब्लिक आएगी क्या? आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी। पुलिस, excuse me, where's the police station here, please? Where I'm from, Russia. Don't ask me stupid questions. क्या 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 बोला ये? इधर तू, इधर। और तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। नहीं नहीं, अपन एक काम करते हैं, हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन। चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हम लोग, हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है क्या तेरा? उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यू मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास? ए, हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। नहीं नहीं, फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी होता है। टैक्सी, जल्दी आओ मूर्ख, जल्दी आ। Do you want us to believe this stupid story? That someone gave you the drugs, then run away. Officer, please try and understand. Listen, I'm from India and I only speak the truth. Shut up. ए तो चुप हो यार, मैं समझाता हूँ। अब देखे जमादार साहब, ये तो शराबत की हद हो गई। हम लोग यहाँ पर आए थे एक नाटक करने के लिए, नाटक के लिए के रोंची। What do I know? बस इतनी सी बात थी कि उस गुल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि तुम जाकर यहाँ पर गार्डन में खड़े हो जाओ, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हीरोइन देते हैं। तो हम लोग जाकर शराफत से खड़े हो गए। इतने में देखते हैं कि दो सांड टाइप के लोग आते हैं, दोनों की आंखों पर काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुकुट पे काला काला चश्मा और दोनों के दोनों अंधे, और आकर मुंह पर सिगरेट लगाते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई साहब माचिस मिलेगी? हमने भी ईमानदारी से माचिस लगा डाली। अब माचिस लगा डाली और निकाल कर आग लगाई रहते हैं। इतने भाई साहब कहते हैं कि फू सारे ने माचिस बुझा डाली, और जब पूछा कि हीरोइन मिलेगी तो बोलता कि नहीं यहाँ पर तो पुड़िया मिलती है। तो हमने सोचा कि शायद आपके देश के अंदर भैया हीरोइन को पुड़िया कहते, तो हमने कहा तो पुड़िया ही सी, पुड़िया बता दो। तो बस इतना बोलने की देरी, इतने में उसने उठाया हमारा बैग ले लिया और अपना बैग थमा दिया और जाकर साले फूट गए। अब फूटने के लिए हम लोग भी फूट सकते थे, लेकिन भाई साहब के दिल के अंदर एक क्षता जगी और गता बन के हम लोग इधर आ गए। Sir, we have 2 Indians here with a case full of drugs, but we don't understand their language. Okay, sir. Morning, sir. Morning, sir. Get them in. Hey, come on, let's go. अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पिकनिक जा रहे हैं। अभी तू अपना लाउडस्पीकर बंद रखना, कुछ बोलना मत वहाँ। मैं बात करूँगा बड़े साहब से। Okay. यानी दो आदमी आए और तुम्हें ये बैग देकर चले गए। सर सर, वी आर इंडियंस, बाय बाय सर। शायद आई विल आंसर द क्वेश्चन। यस सर। मानता हूं, मगर ये ड्रग्स के बैग तुम्हारे पास पाए गए, या तो मुझे तुम्हें बंद करना पड़ेगा या तुम दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। कैसे? हाँ कैसे? क्या तुम्हारा कोई लंदन में है जो स्टेटमेंट पर साइन करेगा या तुम्हारी जामिन देगा? नहीं 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 सर, लंदन में नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत है। बोलो बुलाओ, उनका भाड़ा कौन भरेगा? तो क्या क्या बंद कर, नहीं तो ये फिर अंदर डाल देंगे। सर एक टैक्सी ड्राइवर है सर। सर लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ रहते हैं सर। उस टैक्सी का नंबर? जी टैक्सी का नंबर है LH AG 36। एक मिनट यार, तू याद करने दे। 3669 सर। ऑफिसर, find where the taxi is parked. Here are taxi stand. Chalo.
सीक्रेट पुलिस रन कम ऑन कम ऑन मैं देखता हूं मैं देखता हूं भाई साहब गुल्लू का है हां अंदर बैठ के बात कर उससे हम लोग गुल्लू गुल्लू अरे टैक्सी कहाँ जाना है अरे कहाँ जाना है बाद में देखेंगे चलो है? एमरजेंसी एमरजेंसी गो 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 मैन चलो चलो जल्दी चलो गुल्लू इन पुलिस वालों को समझाओ यार इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया नाम गुल्लू तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा तेरा पूरा नाम बता गुलाब सिंह लखन सिंह हरियाणा वाले इन्हें जानते हो तुम नहीं नहीं साहब इसने कहा था वो लड़की वड़की क्या मतलब नहीं 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 हुआ क्या है सर तुमसे जितना पूछा गया उसका जवाब दो जानते हो इन्हें कैसे ये लोग भारत से आए हैं सर वो क्या कहते हैं ड्रामा नाटक करने आए हैं लोग इनके साथ 15-20 लोग और भी हैं सर कहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया पार्क में सर ऑर्गेनाइजर कौन है रविंद्र जी तनेजा सर सर वो क्या है सीधे साधे लोग हैं पहली बार यहाँ आए हुए हैं सर इन लोगों ने कोई गड़बड़ की है क्या सर बहुत बड़ी एनीवे ऑफिसर प्लीज टेक द सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट कम ओवर हियर लैड्स कम ऑन क्या इस वक्त मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ चलो साइन हियर टॉप वन जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो हाजिरी देने पहुंच जाना और हाँ अगर वो ड्रग सप्लायर जिसने तुम्हें ड्रग्स दिया है दिख गया तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना ओके थैंक यू बी गुड ओके सर बाय सर आदमी है कि कबूतर बोला था ना पुलिस से संभल कर रहना अबे इसको बोल इसको साला खुश हो गया तू खुश हो गया साला बीए पास अंग्रेजी बोल बोल के मेरे दिमाग की दही काटा इसने कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है फेंक इसको नहीं उछल 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 कर क्या बोल रहा था तू मेरे को पुलिस में चलते इनाम मिलेगा हैं अखबार के ऊपर तस्वीर छापू की तस्वीर तेरे मुंह के ऊपर हमें मार मार के पुलिस ने कीमा नहीं किया ना तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में साले कल के लौंडे सिखाने लगे